बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से शान अशरफ की तफसीलात के मुताबिक। तो ये किस्म आपकी इंसल्ट नहीं है, आपने बड़े अच्छे तरीके से चेक करवाना है। पुलिस को भी मैंने समझाया हुआ, कोई आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, वो आपको काम करने के लिए नाका नहीं लगाएंगे, आपकी हिफाजत के लिए लगाएंगे। आपने पुलिस से तालमेल करना है, पुलिस इंशाल्लाह आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त आपको चौकन्ना और होशियार नजर आएगा। शान अशरफ की तफसीलात के मुताबिक आरपीओ गुजरांवाला और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर मंडी बहाउद्दीन मुजाहिद अब्बास कनवाई गांव ढोक नवालोक में जुमा के मौके पर जामिया मस्जिद मदनी में गांव के लोगों से खिताब। उनसे मैंने कहा कि कैमरे लगवाएं, सिक्योरिटी कैमरे, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, 8-10 हज़ार में बेहतरीन कैमरे लग सकते हैं, सिक्योरिटी तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो फासले हैं इन्हें ख़त्म किया जाए, आवाम बगैर सिफारिश के पुलिस के पास आए, जो भी जायज़ काम होगा फौरी किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हर एक के साथ मेरिट होगा, मेरे दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। इनका कहना था कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। थाना सदर में जब तक मैं मौजूद हूँ किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और आप सबको भी चाहिए कि पुलिस का साथ दें ताकि जराइम पेशा नासर को जड़ से उखाड़ा जा सके। छोटा मोटा कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है तो आपको सफारी ढूंढने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम हिसाब पे कायम है, मेरिट करेंगे। अगर किसी के पास कोई सफारिश नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ मेहमान है, उसको भी मैं दूसरों से ज्यादा अच्छे तरीके से डील करूंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबर अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें YouTube और Facebook पर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।